Hey guys, welcome back to ये NZ Friend Channel. मैं हूँ विक. तो हमें बहुत सारे DMs और messages में हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में उसके बाद हमें काफ़ी सारे DM और messages आए कि यार हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एज अ स्टूडेंट वर्क वीज़ा और भी अदर वीज़ाज में हम आना चाहते हैं तो कौन सी कंसीडर करें कंट्री 2024 2025 में न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया. तो हर एक कंट्री के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं बट आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताऊंगा कि जिसकी वजह से जो लोग न्यूजीलैंड में हैं और या स्पेशली न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं या रेजिडेंट हैं वो क्यों न्यूजीलैंड को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और क्या आपको ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर करना चाहिए न्यूजीलैंड के ऊपर. तो इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी उसके बारे में क्लैरिटी हो जाएगी तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं अपडेट आपको दे दूं क्विकली. न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने अभी फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ाया है तो ऑलमोस्ट हर वीज़ा के कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई गई है. उसके जो डिटेल चार्ट है मैं यहाँ पे दे दूंगा या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप जाके उसको वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. भाई सबसे पहला रीज़न न्यूजीलैंड के सिटीजन्स का या PR बंदों का ऑस्ट्रेलिया जाना है वो है एक्सेस. एक्सेस का मतलब जो न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं उनको वीज़ा की जरूरत नहीं होती है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और उनको रेजिडेंसी मिल जाती है. सिटीजनशिप में टाइम लगता है वहाँ पे भी बट वीज़ा का कोई झंझट नहीं है, इजी एक्सेस है तो उसकी वजह से भी लोग बहुत यहाँ से मूव करते हैं. दूसरा रीज़न है इनकम अपॉर्चुनिटीज़. तो इन कंपेरिजन टू ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में न्यूजीलैंड में सैलरी और वेजेस कम हैं फॉर द सेम पोजिशंस. 2023 में और 2024 में काफ़ी एजेंसीज जो हैं वो काफ़ी अपसेट थे इसको लेके, स्पेशली पुलिस एसोसिएशन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया उनको बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा था. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी के $70,000 स्टार्टिंग थी तो ऑस्ट्रेलिया उनको $100,000 ऑफर कर रहा था फॉर द सेम पोजिशन. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था सैलरीज में. एंड अगेन इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ के पुलिस है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए रीलोकेशन के लिए भी पैसे दे रहा था. यानी कि यहाँ से ट्रैवल और वहाँ पे अकोमोडेशन एंड स्टफ वो सारा ऑस्ट्रेलिया जो एम्प्लॉयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो ऑफर कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी तो जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए. डोंट गेट मी रॉन्ग, इनकम अपॉर्चुनिटीज न्यूजीलैंड में भी हैं बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं देन रिलेटिवली काफ़ी डिफरेंस आ जाता है वेजेस या सैलरीज में फॉर द सेम पोजिशन. उसकी वजह से लोग बहुत यहाँ से मूव हुए हैं रिसेंटली. अगला जो रीज़न है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मूव करती हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वो है हाउस प्राइसेस. नाउ घर लेना हर जगह बहुत महंगा है, स्पेशली आप इंडिया में हो तो इंडिया में भी क्रेजी प्राइसेस हैं लोकेशन के हिसाब से बट न्यूजीलैंड में इट्स ऑन होल अनदर लेवल. यहाँ पे आपको 100-100 साल पुराने घर मिलियन डॉलर के मिलेंगे जिनमें आपको बहुत सारी रेनोवेशन करानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें खुद से फिक्स करनी पड़ेंगी. तो इसकी वजह से यहाँ की जो बहुत पॉपुलेशन जो है वो रेंटिंग पे ही रहती है फॉर देयर होल लाइफ. जनरेशन्स की जनरेशन उनकी रेंटिंग पे ही रह जाती है बिकॉज यहाँ पे घर इतने ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाते हैं. अभी तो जैसे इंटरेस्ट रेट अप गया है तो हाउसेस प्राइसेस थोड़े से कम आए थे बट अगेन आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हाउस प्राइसेस आर गोना बी क्रेजी अगेन. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. ऑस्ट्रेलिया में भी घर महंगे हैं बट वहाँ पे जो हमने अपने फ्रेंड्स से सुना है या जो हमारे फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप सिटी से थोड़ा दूर रहते हैं तो आपको 6-8 लाख डॉलर के आसपास अच्छे घर मिल जाते हैं जो कि न्यूजीलैंड में एक ब्रांड न्यू तो आप छोड़ ही दो, पुराने घर भी लेना अच्छे लोकेशन पे बहुत मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ से लोग बहुत मूव करते हैं. अगला जो रीज़न है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. बिकॉज न्यूजीलैंड एक छोटी कंट्री है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है. स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए आई विल से स्टिल काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लेस बड़ी है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयर्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से जॉब्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं. न्यूजीलैंड में एक स्पेशली अभी रिसेंटली कॉस्ट कटिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज से जो लोग थे उनको निकाला है, उनको वो अनएम्प्लॉयड हो गया है.
तो जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया कि वो एम्प्लॉई मार्केट की वजह से एम्प्लॉई की मार्केट होने के बजाय एम्प्लॉयर्स मार्केट है, मतलब एक जॉब के लिए इतने ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं कि वो बहुत सारे लोग उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते या वो ओवर क्वालिफाइड है तो उनको उस हिसाब से उसकी जो वेजेस हैं या सैलरी है वो नहीं मिलती है। अगला रीज़न है क्राइम। नाउ न्यूजीलैंड आई बिलीव अगर आप वर्ल्ड की हालत देखो अभी तो न्यूजीलैंड स्टिल लार्जली पीसफुल है, बट जब मैं न्यूजीलैंड में आया था बैक इन 2013 उस टाइम तो मुझे याद है लोग घरों पे लॉक भी नहीं करते थे, सामान ऐसे ही पड़ा रहता था, इट वाज दैट सेफ। बट अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा, हमने भी कुछ वीडियोस में बात की थी इसके बारे में कि बहुत रैम रेड्स हो रही थी। रैम रेड्स मतलब कुछ बच्चे मोस्ट केसेस में यंगस्टर्स कारें चुरा के फिर लोगों की दुकान में कार को क्रैश करते थे और वहाँ से चोरी करते थे। और अभी रिसेंटली एक ऑकलैंड में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ओनर को इवन हथौड़ा मार दिया था उन्होंने सर पे। तो इतना वॉयलेंट क्राइम न्यूजीलैंड में बहुत कम होता था, जो कि अभी पिछले एक डेढ़ साल से दो साल से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और बहुत सारे लोग इस वजह से भी मूव हो रहे हैं कि अब वो इतना सेफ नहीं रहा न्यूजीलैंड, जिसकी वजह से उनको न्यूजीलैंड पसंद था। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट या अगर आप वर्क वीजा पे आना चाहते हो तो क्या आपके लिए न्यूजीलैंड क्या आपके लिए कंट्री खराब है? तो आई वोंट से दैट बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स हर कंट्री के हैं। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में अगर आप उसको पूछो तो वो भी आपको सेम चीजें बताएंगे कि वहां पे भी क्राइम है, वहां पे भी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। बट जो न्यूजीलैंड के अभी करंटली एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, इट्स ऑन अ होल डिफरेंट लेवल बिकॉज न्यूजीलैंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है अभी दुनिया में। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री खराब है। रेसिज्म यहाँ पे बहुत कम है और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं आपके रेस के बेस पे। ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, आपके स्किल के बेस पे आपको यहाँ पे जज किया जाता है ना कि रेस के बेस पे। तो उसके कंपैरिजन में न्यूजीलैंड अभी भी बहुत अच्छी कंट्री है रहने के लिए या अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, बिकॉज लार्जली सेफ ही है। तो अब मेन क्वेश्चन, क्या आपको कंसिडर करना चाहिए? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको बहुत ज़्यादा शांति पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा शांत एरिया में नहीं रहना चाहता एंड सिटी लाइफ पसंद है, तो आप न्यूजीलैंड को अवॉइड कर सकते हो बिकॉज न्यूजीलैंड लार्जली बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है। 8 बजे सब दुकानें बंद हो जाती हैं, मॉल बंद हो जाते हैं 8 बजे तक, और काफ़ी क्वाइट लाइफ स्टाइल है जो कि हमें सूट करता है। हम बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं तो आप काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि फिर तुम क्यों नहीं मूव हो जाते। अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, हमें अभी भी न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा पसंद है तो वी डोंट वांट टू मूव टू एनी अदर कंट्री। बट आपके केस में बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो अब, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कौन सी कंट्री को कंसीडर करना चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सस्ते घर चाहिए, तो वो आपको आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अगर आपको पीस चाहिए, शांत लाइफस्टाइल चाहिए और स्लो ग्रोथ में यू आर हैप्पी, देन आप न्यूजीलैंड को कंसीडर कर सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वहाँ पे एक और आ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि फीस क्या है यूनिवर्सिटीज़ की। न्यूजीलैंड में आज के डेट में फीस बहुत हाई है, और अगर आपको उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए डू लेट अस नो, तो हम आपको तो मैं उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस बना दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपको जाना चाहिए या कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए और कितनी उसकी फ़ीस होगी। नाउ इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे अगेन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, कॉलेजेस ज़्यादा हैं, तो मे बी आपको थोड़ा रीज़नेबल वहाँ पे लगे इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड में जो फीस स्ट्रक्चर है अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा अप गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक क्विक कंपैरिजन था, प्रोज एंड कॉन्स हर कंट्री के होते हैं तो आपको दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। बाकी अगर आपके माइंड में और कुछ क्वेश्चन है या डाउट है, हमेशा की तरह या तो यूट्यूब पे कमेंट करके या हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।